राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है किशोर बच्चों हेतु मनोरंजन और ज्ञान से भरपूर रेडियो पत्रिका किशोर जगत। किशोर जगत में आइए सुनते हैं कार्यक्रम आधुनिक काल के अंतर्गत द्विवेदी युग और द्विवेदी युग में निबंध। द्विवेदी युग 1900 से 1920 ईस्वी। भारतेंदु युग के उपरांत हिंदी साहित्य के इतिहास में जो कालखंड आता है उसे द्विवेदी युग कहते हैं। उसका कारण यह है कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी इस युग के व्यवस्थापक साहित्यकार हैं। उन्होंने 1903 ईस्वी में सरस्वती के संपादन का कार्यभार संभाला। सरस्वती के संपादन के माध्यम से उन्होंने खड़ी बोली काव्य भाषा और हिंदी साहित्य दोनों को व्यवस्थित करने का भारी उद्योग किया। वे कवियों और गद्यकारों की भाषा में एक रूपता लाकर खड़ी बोली को व्यवस्थित भी कर रहे थे। साहित्यकारों को नए विषय भी सुझा रहे थे, उन्हें प्रोत्साहित कर रहे थे और उनकी आलोचना भी कर रहे थे। वे हिंदी भाषा भाषियों को अन्य भाषाओं के साहित्य की गरिमा से परिचित करा रहे थे और अपने देश की अन्य भाषाओं के साहित्य से हिंदी साहित्य का तालमेल भी बैठा रहे थे। उन्होंने साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोष कहा। द्विवेदी युग ने प्रधानतः ज्ञानार्जन की ही साधना की। भारतेंदु युग ने यद्यपि हिंदी साहित्य को नए विषयों से जोड़ दिया था, नई विधाओं का सूत्रपात और पुरानी विधाओं का नवीनीकरण किया था, फिर भी काव्य भाषा के रूप में ब्रज भाषा ही प्रतिष्ठित रही। द्विवेदी युग में ब्रज भाषा एवं खड़ी बोली का द्वंद्व उभर कर सामने आया। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दृढ़तापूर्वक खड़ी बोली का पक्ष लिया और उनके युग में ही खड़ी बोली काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हो गई। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने काव्य भाषा के रूप में ब्रज भाषा का ही विरोध नहीं किया, उन्होंने हिंदी काव्य को रीतिवाद से भी मुक्ति दिलाई। उन्होंने काव्य में दरबारीपन का घोर विरोध किया। इस विषय में उनके विचार आश्चर्यजनक रूप से आधुनिक थे। उन्होंने कविता के लिए अंत्यानुप्रास या तुक को आवश्यक नहीं माना और उर्दू शब्दों के समुचित प्रयोग को भाषा में स्थान दिया। उन्होंने विभक्तियों, विराम चिन्हों के प्रयोग एवं समानार्थक अनेक रूपों के व्यवहार से उत्पन्न अस्पष्टता को दूर करने का प्रयास भी किया। इस युग में ज्ञान साधना पर बल है, संभवतः इसीलिए इस युग में गद्य की सर्वाधिक उल्लेखनीय विधा विचारात्मक निबंध है। निबंध। इस काल के निबंधकारों में महावीर प्रसाद द्विवेदी,
माधव प्रसाद मिश्र, बाबू बाल मुकुंद गुप्त, श्याम सुंदर दास, चंद्रधर शर्मा गुलेरी और अध्यापक पूर्ण सिंह प्रमुख हैं। रामचंद्र शुक्ल के प्रारंभिक निबंध इसी दौर के हैं। उनका अत्यंत महत्वपूर्ण निबंध कविता क्या है पहले पहल इसी काल अर्थात 1909 ईस्वी में लिखा गया। यद्यपि इसका संशोधित एवं परिवर्धित रूप उन्होंने बाद में प्रकाशित कराया। इस युग में गंभीर और ललित दोनों प्रकार के निबंध लिखे गए, किंतु विचार परक निबंधों का महत्व अधिक है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों का तेवर प्रायः सर्वत्र नियामक और सुनियोजित है, चाहे वे कवि और कविता पर लिखें, चाहे क्या हिंदी नाम की कोई भाषा ही नहीं पर, उनके निबंध स्पष्ट होते थे। उनमें कलात्मकता की अपेक्षा अपनी बात को समझा बुझाकर कहने की प्रवृत्ति अधिक है। विरोधी पक्ष का शमन करने के लिए वे विवादात्मक मुद्रा भी अपनाते हैं। वस्तुतः द्विवेदी जी की चिंता विविध विषयों का ज्ञान समेटकर इसे हिंदी पाठकों तक पहुंचा देना है। निबंध लिखते समय भाषागत व्यवस्था का ध्यान भी उनके मस्तिष्क में कम नहीं रहता होगा। उनके समीक्षात्मक निबंधों में उनका समालोचक रूप प्रकट हुआ है। संस्कृत के कवियों पर लिखते समय उनकी रस ग्राहिणी क्षमता का भी पता चलता है। ₹1883 से 1920 ईस्वी में चंद्रधर शर्मा गुलेरी इस युग के प्रमुख निबंधकार हैं। उनके निबंध संख्या में कम हैं, किंतु उनमें अगाध पांडित्य और आधुनिकता का अपूर्व समन्वय मिलता है। गुलेरी जी अतीत और वर्तमान के सूक्ष्मदर्शी विद्वान रचनाकार थे। वे साहित्य और अन्य सांस्कृतिक चेष्टाओं की गतिशीलता पहचानते थे, इसीलिए उनका दृष्टिकोण समाज शास्त्रीय है। उनके निबंधों में व्यंग्य विनोद का रंग भी है। उनकी भाषा हिंदी गद्य का प्रतिमान है। उनके भाषा शास्त्रीय निबंध भी रोचक और अत्यंत पठनीय हैं। कछुआ धर्म और मारे सी मोही कुठाम उनके प्रसिद्ध निबंध हैं। ₹1881 से 1931 ईस्वी में अध्यापक पूर्ण सिंह ने आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता जैसे निबंध लिखे। इनमें भावुकता के साथ भावुकता मिलती है। अध्यापक पूर्ण सिंह का मिजाज एक ऐसे आधुनिक सूफी विद्वान का था जो समानता, शांति और मानवीय करुणा में विश्वास करता है। मजदूरी और प्रेम में श्रम का जो सौंदर्य प्रकट किया गया है वह सौंदर्य बोध की आधुनिकता का द्योतक है। ₹1875 से 1945 ईस्वी में बाबू श्याम सुंदर दास के निबंध प्रायः विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम को ध्यान में रखकर लिखे गए हैं, जो उस समय की बहुत बड़ी आवश्यकता की पूर्ति करते थे। ₹1865 से 1907 ईस्वी में बाबू बाल मुकुंद गुप्त के निबंध द्विवेदी युगीन निबंधों में अपनी व्यंग्य विनोदपूर्ण शैली और चुहलबाजी के कारण विशिष्ट हैं। इनकी शैली भारतेंदु युगीन लेखकों की शैली के सबसे निकट रही है। ये राजनीतिक विषयों या घटनाओं, कभी कभी किसी मेले, त्योहार या और किसी विषय पर शिव शंभू के नाम से शिव शंभू का चिट्ठा लिखते थे,
जिसमें ब्रिटिश साम्राज्य की नीतियों या अपनी समझ से अनुचित व्यवहारों की खबर लेते थे। आधुनिक काल के अंतर्गत द्विवेदी युग और द्विवेदी युग में निबंध। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। विशेष संयोजन डॉक्टर संध्या सिंह, डॉक्टर चंद्रा सदायत एवं लालचंद राम, वाचन स्वर के चंदन और सुनीता चौहान, कार्यकारी निर्माण प्रभुदयाल खट्टर, ध्वनिंकन सतीश लाड़े और दीपक पांडे, तथा निर्माण एवं प्रस्तुति दाऊदयाल चतुर्वेदी। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम।